नमस्कार, जम्मू परिवर्तन में आपका स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां पर हम आए हैं लोगों में कितना ज़्यादा जो है रोष दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें बिजली की तो 15 दिन से जो है यहां बिजली बंद है और आप देख सकते हैं कि हंगामा जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है। यहां पर पिछले 15 दिन से जो है वो बिजली नहीं आई है, बिजली के लगातार कट्स जो है चल रहे हैं। जी हम जहाँ बिजली की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, 15 दिन से हम ना दिन में सो रहे ना देर रात को, हमारे बच्चे बीमार है, बत्ती तक नहीं आ रही है और इतना पानी तक मोटर तक कुछ नहीं, पंखा तक नहीं चल रहा हमारे लिए। चार कॉलोनी यहाँ पे छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये लाइट आती कुछ नहीं आ जाती है। यहाँ पे किसी ने कंप्लेंट वगैरह नहीं की? कंप्लेंट सियोड़ा गांव में हम आए हैं, यहाँ पर पिछले 15 दिन से जो है वो बिजली नहीं है और लगातार जो है लोग जो है गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। एसी 10 मिनट लाइट आती है, इससे एसी क्या चलेंगे, पंखा तक नहीं चलता। उनको कोई कुछ नहीं बोलता, हमारे घर में कोई 15 घरों में एक एसी होगा तभी बोलते आपका एसी चल रहा है, एसी चला। हमें पानी पीने के लिए भी विद्युत खरीफ हो रही है, लोगों के फैन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, हमें परेशानी। इतने इतने बच्चे हम घर में छोड़ के आया, पूरी रात को रोते रहे, लोगों का ध्यान नहीं हमने, जब इतना बोलते हमें तड़ी दिखाते हैं, हमें मारने आते हैं, बोलते हैं आपको क्या करना है, देखो हमारा फ्यूज उतार के कैसे उतारोगे। बिजली डिपार्टमेंट से बत्ती नहीं दे रही, बिल भी पर तो बिजली वालों को किसी ने कंप्लेन की यहाँ पर आगे सभी को बोलना घर में गए, पूरी बारिश हमने ऊपर बुराई, छोटा सा बच्चा था उसको भी गीला किया, किसकी वजह से, लाइट की वजह से। इधर आया तो बोलने लगे हमारी तो आप कैसे उठाते हो, जिनके सारे अंडर है वो भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। लोग जो है लगातार इनसे कंप्लेंट कर रहे हैं पर ये कोई जवाब देने को तैयार नहीं है फिलहाल। ये लाइन मैन जो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये 3-4 दिन से प्रॉब्लम चला हुआ था, ठीक है, फिर कल ही चेंज किया, अब क्या हुआ क्या नहीं वे देख के ही पता लग गया ना। ऐसे कोई यहाँ पे आरोप क्यों लगा रहे हैं कि आपने यहाँ की लाइन दूसरी साइड लगाई है? किसी को पूछ लो, 4 बार ट्रांसफार्मर जलाई, ठीक है, अब कल लगाया नहीं इनका ट्रांसफार्मर चल रहा है, यही वाला ट्रांसफार्मर चला है, ठीक है। और लोग बोल रहे हैं यहाँ ट्रांसफार्मर बार बार चेंज किया जाता है तो ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगाया जाता? रात को आंधी चली है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी देख के पता लगेगा ना। ऐसे लेकिन पिछले 15 दिन से यहाँ बिजली बंद है। मैडम जी केबलिंग कर रहे थे हम, इनमें मलने वाले ने केबलिंग, वो कह रहे कि यहाँ से हमारी औरतों पे हमला हो रहा है। देखो मैंने रात को लोड चेक किया, 135 चल रहा था, एक पे चल रहा, 2 पे चल रहा था, 35 पैसे किस पे लोड जा रहा था, 135 पे, ठीक है, लोड बराबर ना हुआ। इन्होंने घर में हीटर लगाए हैं, इनको पूछो कनेक्शन किनके हैं। उधर भी मोहल्ला, उधर बत्ती आ रही है, हमारे इधर बत्ती नहीं आ रही है, बस उधर क्यों आ रही है, ये भी होना चाहिए ना, उधर उधर किसने तार जोड़ी है, बस उधर सभी की बत्ती भेज देते, इधर बत्ती नहीं लगाता कोई, हमें इतने दिन हो गए गर्मी से मर रहे हो। ये कह रहे कि यहाँ पर घरों में जो है ओवरलोडिंग की जा रही है। तो आपकी क्या कुछ मांग है? इन्होंने कहा कि आपने इनका बिजली का खंभा भी तोड़ा है जो लगाया था, ये कह रहे हैं कि 15-15 कनेक्शन एक घर पे होते हैं, उसकी वजह से जो है ट्रांसफर हो रहा है। देख लो पहले में कौन सा लगा रहा है, खुद देखो आजी 4000 में बिजली लगाई है, फिर नहीं लोड पड़ता, उधर एसी से लोड पड़ रहा है। बड़ी बड़ी मोटर लगाई हमने, पानी वाली मोटर लगाई है, वो भी नहीं
चल रही है। देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है रोज लाइन मैन के प्रति भी जो है लोगों द्वारा जताया जा रहा है। यहाँ के लोग जो है पिछले 15 दिन से जो है बिजली नहीं आई है। बत्ती निकालने के लिए खंबा, अभी हमारे घर में जाओ देखो खंबा कैसा पड़ा उधर 12,000 में बत्ती में डाला तो और खंबा नहीं निकाला हमारे घर में। जेवी है बुलाया इधर कोई कुछ नहीं आया था, हमें जेवी को बताया था देखो उधर आके हमारा उसने भी कुछ नहीं बोला इधर आके फ्यूज आगे से कनेक्शन उन्होंने काटा हुआ है। यहाँ से फ्यूज लगे हुए थे अभी उतारे हैं उन्होंने, ठीक है आगे से लगे हुए हैं। ये खाली फ्रॉड कर रहे हैं यहाँ के कि ये लाइटें लगी हुई थी, ठीक है कुछ नहीं ऐसा। रात को हम बारिश में पूरी रात यहाँ पे रहे हैं लेकिन लाइट नहीं। ये बोलते हैं हमने कुरलुपियों को फोन किया, वो बोलता है खाना खा के आ रहे हैं लाइनमैन। पूरी रात हम यहाँ पे खजल हुए हैं, कोई नहीं आया हमारे पास पूरी रात। अभी तक कपड़े गीले हमारे, हम आपको क्या बताएं। लेकिन आगे से इन्होंने तारें कनेक्शन काट दी है, कोई नहीं आया। अभी आ रहे हैं, अभी एक दो बज रहा होगा। देखो यहाँ पे औरतों ने दुखी होके ना यहाँ से फ्यूज उड़ा दिए। बोलते हमारी लाइट नहीं है तो किसी की भी नहीं आएगी। ये बोलते केबल तार नहीं डाले दे रहे। हमने बोला कोई नहीं बोलेगा अब केबल तार, वो 10 मिनट के बाद वो उड़ गया तो हमारी गलती थोड़ी है। वो लैंड मैन देखे यहाँ जेई देखे जो भी है यहाँ का, पर हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे लाइट आनी चाहिए पर लाइट ही नहीं आ रही। हमारे यहाँ पे मुश्किल यही है कि लाइट आनी चाहिए, सभी बच्चे औरतें सभी परेशान है। हमारे इधर खंभे आए इनको पूछो कहाँ छोड़े इन्होंने, जो खंभे उठा के नंदरी ले गए। नंदरी लोग रहते हैं इधर, डंगर रहते हैं क्या पता क्या नहीं है इधर। कोई कुछ किया हुआ है तारों को, जो उधर बत्ती आती इधर नहीं आती, इधर कनेक्शन काट दिया। लाइट देते हैं पता नहीं कौन आता पीछे उधर से तार काट देता हमें। हमारे बच्चों को जब लाइट आती उधर आती इधर आती, छोटे छोटे बच्चे घर भी से जो पैसे वाले ना उधर जाते हैं। खंभे भी हमारे आए थे पता नहीं दूसरे गांव में ले गए, इधर खंभे नहीं लगाए। छोटी छोटी दो रास्ता कट गया ना आज जाए अस की रोना है इतना बस आने बंद है ना बुरा हाल बच्चे का क्या है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੰਬੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹੜਾ ਰਿੰਪੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਸੂਰ ਹੈ। आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से परेशान है लगातार जो है, किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग मरा देना बच्चे पैंचा फर्जे ही निकाल बोलना लोग बच्चे मारा देना एरे एरे जीन बाकी वाले मरने रहे जिंदे रोन बच्चे ये कोई पैंचे की गल करने का तरीका है। अगर पैंच के ही गले लगी पैंकन तो पब्लिक ने क्या करना उठे। आपने पैंच से कहा था कि आके देखे कि क्या हाल है। वो पैंच मेरे घर में लाइट आ रही है, मैं हमारे घर में लाइट आ रही है जो मर्जी करो उधर किया हुआ है बस ऐसे बोला उसने। पीछे पीछे मोहल्ले की लाइट आ रही है हमारी नहीं आ रही है, उधर किया हुआ है कुछ तारों को लिए हमारी लाइट नहीं आती उधर आती सभी की। तो आपने पंच सरपंच यहाँ से उनसे बात की है कि आके देखा जाए सभी की क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग क्या कोई नहीं कोई नहीं सुनता जिनके घर में आ रही है ना जो कॉर्पोरेटर है उनसे भी बात की है यही को बुलाया था लेकिन किसी ने हमारा वो नहीं किया है किसी ने जिनके घर नहीं हमारे पास नहीं आगे जाओ उनके ऑफिस कहाँ पे जाओ हमें बता दो। अगर ट्रांसफार्मर नहीं आया उधर बत्ती क्यों आ रही फिर आनी चाहिए इधर भी आनी चाहिए। देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर है लगातार 3 बार जो है ट्रांसफार्मर बदला चुके हैं लेकिन अभी तक जो है लाइट नहीं आ रही। लोगों ने यहाँ के जो है फ्यूज तक उड़ा दिए क्योंकि उनका ये कहना कि एक गांव में जो है लाइट आ रही है लेकिन अगर बात करें हमारे गाँव की यानी स्योड़ा गाँव जहाँ हम आए हैं वहाँ पर जो है बिजली नहीं आ रही। आप देख रहे हैं लगातार जो प्रदर्शन है लाइन मैन के खिलाफ। पंच सरपंच की बात की जाए तो लोगों ने अपने जो है बयान बताए हैं कि क्या कुछ जवाबी जो उनको दिया जा रहा है क्या कुछ कहा जा रहा है। तो आप देख सकते किस तरीके से लगातार 15 दिन से जो है बिजली वो नहीं देखने को मिली है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।